वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन का जो कागजात है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप घर बैठे फॉर्म फिलअप करके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत है या तो फिर खाता या खेसरा कुछ भी गलत हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और ये भी बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नेट पे नहीं है चढ़ा हुआ तो आप उसको इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो ज़मीन का रसीद है वो ऑनलाइन कटना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, अच्छा लगता है, और कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ सर्च बार पे टाइप करेंगे भूमि, बिहार भूमि, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। और सबसे ऊपर में जो लिंक है बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, हम इस पे क्लिक कर देंगे। और ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, राजस्व एवं भूमि सुधार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है जो कि हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर फर्स्ट में ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन कर लिए हैं तो दाखिल खारिज का आवेदन का स्थिति यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एलपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन एलपीसी जो है आवेदन किए हैं उनका स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भू लिगान, यहाँ पे आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। और यहाँ पे परिमार्जन, जैसे कि आपका ज़मीन में कोई त्रुटि है या तो फिर आपको ज़मीन को नेट पे चढ़ाना है तो यहाँ पे परिमार्जन का ऑप्शन है, और यहाँ से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम तो आज यही परिमार्जन के बारे में बताएंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे और इसका जो साइट है वहाँ पे जाएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। बाकी का जितने भी सर्विसेज हैं इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हम इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ये रहा राजस्व भूमि सुधार विभाग का ये साइट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक दो फॉर्म डाउनलोड करना होगा, एक शपथ पत्र है, और हम जिस त्रुटि को सुधार करने के लिए हम फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके लिए फॉर्म दिया जाता है यहाँ पे, और उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट करके उसको भरेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं उसके लिए अलग-अलग फॉर्म दिया गया है। आप यहाँ से त्रुटि को सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे यानी कि फॉर्म को फिलअप करेंगे, उस हिसाब का फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर जो फॉर्म है शपथ पत्र, इन सभी में ये लगने वाला है, समझ गए ना आप? इन सब फॉर्म के साथ में इसको भी लगाना होगा। चलिए हम यहाँ पे 4 नंबर का फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन पत्र। हम यानी कि मेरा जो ज़मीन है, हम जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका ज़मीन नेट पे नहीं चढ़ा यानी कि ऑनलाइन नहीं हुआ है, हम उसको ऑनलाइन करने वाले हैं। उसके बाद ये वेरीफाई होगा और इसका रसीद ऑनलाइन कटना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है, समझ गए हैं। हमें ज़मीन को ऑनलाइन करना है, नेट पे चढ़ाना है,
और कैसे फिलअप करना है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंचल अधिकारी, यहाँ पे आप अपना ब्लॉक का नाम लिख देंगे, जिस भी ब्लॉक में आपका ज़मीन पड़ता है वहाँ का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे मौजा का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे थाना का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे जमाबंदी संख्या लिख देंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम नंबर, यहाँ पे पेज नंबर। अगर ये सब नहीं है आपको पता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पता डालना है, पूरा एड्रेस जिसका ज़मीन है जहाँ पे, उसका एड्रेस डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे खाता नंबर डालना है, और यहाँ पे खेसरा नंबर डालना है, और यहाँ पे रकबा डालना है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक खाता में बहुत सारा खेसरा नंबर होता है, और हर एक खेसरा में अलग अलग, उसको भरेंगे कैसे? सिंपली यहाँ पे हम खाता नंबर डाल देंगे जिस भी खाता में ज़मीन है, और उसका खेसरा नंबर यहाँ पे नीचे डाल देंगे, और जिस खेसरा में जितना ज़मीन है उसको यहाँ पे हम डिसमिल के हिसाब से डालना है, समझ गए हैं? उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यानी कि साइन करवा लेंगे। अगर साइन नहीं कर पाता है तो आप उसका अंगूठा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन सा लगाना है वो यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन किया गया है, आप इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो लगा सकते हैं। और हमें जहाँ तक पता है कि सबके पास ऑफलाइन जो रसीद काटा गया था वो सबके पास अवेलेबल होगा, आप उसको भी लगा सकते हैं इसमें। अब चलिए हम शपथ पत्र के बारे में बता देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर शपथ पत्र, हम इसको भी डाउनलोड करेंगे, और इसको कैसे फिलअप करना है वो हम आपको बता देते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिसका ज़मीन है उसका नाम यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे उसका पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे मौजा डालना है, यहाँ पे थाना डाल देना है, यहाँ पे हलका डाल देना है, यहाँ पे अंचल डाल देना है, यहाँ पे जिला डालना है, समझ गए हैं? उसके बाद यहाँ पे अंचल, हलका, मौजा, थाना, उसके बाद यहाँ पे मूल्य संख्या, और यहाँ पे पृष्ठ संख्या, और यहाँ पे जमाबंदी नंबर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मूल्य संख्या, पृष्ठ संख्या पता नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं कैसे चेक करना, कैसे निकालना है, ठीक है ना? और यहाँ पे जमाबंदी संख्या डाल देना, और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, और यहाँ पे शपथकर्ता का साइन करवा लेंगे, या तो फिर थंब यानी कि फिंगर लगवा लेंगे, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। और हाँ दोस्तों, मोबाइल सही डालिएगा, क्योंकि इस पे आपका कॉल आएगा 90 दिन के अंदर में, आपका वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट यानी कि उसका वेरीफाई होगा, जांच होगा, और उसके बाद वेरीफाई करके आपका जो ज़मीन है वो नेट पे चढ़ा दिया जाएगा। चलिए और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मूल्य संख्या और पृष्ठ संख्या। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसका जो केवाला होता है, ज़मीन रजिस्ट्री करते टाइम जो केवाला दिया जाता है, केवाला होता है, उस पे भी लिखा होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो हम बता देते हैं कि इसको निकालना कहाँ है। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं भू लगान, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करेंगे, समझ गए? और यहाँ पे देख सकते हैं भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, अब इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पहले जिला चूज करेंगे, उसके बाद अंचल चूज करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हल्का चूज करेंगे, और यहाँ पे मौजा सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी मौजा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता नंबर के जरिए आप जो भी हैं, रैयत किसान के नाम के जरिए आप जैसे भी खोजना चाहते हैं आप खोज सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। अगर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपली हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे खाता नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे खाता नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा कैसे फिल करना है, यहाँ पे देख सकते हैं
8 + 3 बराबर कितना होगा वो डाल देना है, 11 होगा वो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम बता देते हैं एक बार, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। और शायद आपका खाता में बहुत सारा व्यक्ति का नाम होगा, आप जिसका भी आपका जो भी होगा आप वो देख लेंगे, और उसका जो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, पृष्ठ संख्या, भाग संख्या और जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, सारा कुछ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, और अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे आवेदन करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, समझ गए। आप घर बैठे ये सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट योर एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नाम डालेंगे जिस किसी का भी आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, मैंडेटरी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे नाम भी डाल दिए हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिए हैं और सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया है ओटीपी, सेंड योर मोबाइल, ओटीपी आ चुका है। अब हम यहाँ पे ओटीपी को फिल करेंगे। चलिए हम फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल कर दिए, अब यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप अपना जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस को फिल करेंगे यहाँ पे, समझ गए हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में पता लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर स्पेस बटन दबाएं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, समझ गए हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी लोकेशन, यानी कि आपका ज़मीन जिस भी लोकेशन पे है, जिस भी मौजा में पड़ता है, जिस भी ब्लॉक में पड़ता है, जिस भी जिला में पड़ता है, यहाँ पे उसका एड्रेस फिल करेंगे। और यहाँ पे जिसके नाम पे ज़मीन है उसका घर जहाँ पे है उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, समझ गए हैं ना। तो चलिए हम फटाफट एड्रेस को फिल कर लेते हैं, आपको फिर आगे बताएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सारा एड्रेस फिल कर दिए हैं, आप भी इसी तरह से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जिला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और प्रोसीड पे की क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मौजा का ऑप्शन आ जाएगा, मौजा आपका जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे छूटे हुए जमाबंदी की डिजिटाइजेशन, हम इस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आप करना है डॉक्यूमेंट को अपलोड। डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका आधार कार्ड हो गया, ज़मीन का एलपीसी हो गया, और जो फॉर्म भरे हैं वो और घोषणा पत्र, सबको एक साथ में स्कैन कर लेना है, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आप रखे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे योर गिवरेंस आईडी इस यहाँ पे ये वाला जो आईडी है इससे हम स्टेटर को चेक करेंगे। समझ गया, सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेते हैं इसका। चलिए हम इसका प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। समझ गए हैं। और हाँ दोस्तों, आप जो ये प्रिंट आउट करके निकाले हैं रिसीविंग इसको और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारा कुछ आप पिन अप कर लेंगे, और ज़मीन का जो भी कागजात है उसका फोटोकॉपी कर लेंगे और उसको रख देंगे घर पे। किसी भी टाइम कॉल आएगा आपका नंबर पे, आपको बुलाया जाएगा, आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसके पास, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।